all the electrifying VSL 9 action live on eSports. Don't miss out. Tera vaada agar wafa hoga. मैं सारा और तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में जानता हूँ। सारा ने बताया तुम्हें इस बारे में? सवाल ये नहीं है कि ये बात मुझे किसने बताई है, बात बस इतनी सी है कि सारा मूव ऑन कर चुकी है। अम्मी, शादी के बाद खुशियों के लिए सिर्फ आसाइशें जरूरी नहीं होती हैं, शोहर का प्यार, उसकी तवज्जो जरूरी होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ रेहान से फरा को मिल पाएगा। मुझे लगता है सारा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप इस तरह फरा की भी जिंदगी बर्बाद करेंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, पुरसकून जिंदगी के लिए कर रहा हूँ, और अगर कल को कुछ हो भी जाता है ना, कम अज कम आपसे मदद नहीं मांगूंगा मैं। तेरा वादा अगर वफा होगा। शायान, बाजी की बरसी आने वाली है, मैं सोच रही थी कि घर में फातिहा खानी रखवा लूं। यूनी के रेहान भी है, जाहिर सी बात है, वो बाजी का इकलौता बेटा था, उसकी माँ की बरसी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उसे ना बुलाऊं। अच्छा हाँ, मुझे कुछ खर्चे के पैसे चाहिए होंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास आजकल कोई पैसे नहीं है। तुम्हारे पास इस नई के अलावा वैसे भी कभी कुछ नहीं होता है ना? खैर, तुम वापस कब जा रही हो अपनी जॉब पर? अम्मी, मैंने शादी से पहले जॉब छोड़ दी थी। ये क्या कह रही शायन? मुझे भी नहीं पता था इस बारे में, ये खुद जॉब छोड़कर बैठ गई है। ऐसा हो नहीं सकता है कि ये कोई फैसला ले और तुम्हें ना मालूम। नहीं अम्मी, वो सच कह रहे हैं, को वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता था। चलो, मैं मान लेती हूँ कि इसे इस बारे में कुछ नहीं पता, मगर तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए थी कि हम जैसे गरीब घरों के खर्चे कभी किसी एक की नौकरी पर नहीं चलते। अम्मी, मुझे वाकई में आइडिया नहीं था, मैंने तो जॉब महज इसलिए छोड़ी कि अब से घर की जिम्मेदारियां ही निभाऊंगी। घर की जिम्मेदारियां नौकरी के साथ साथ भी अच्छी तरह निभाई जा सकती है। अम्मी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैंने रिजाइन दे दिया है। क्या मतलब है कि तुमने रिजाइन दे दिया है? भाई, तुम जाके वापस अपने ऑफिस में बात करो, उन लोगों से कहो कि अगर अभी भी कोई गुंजाइश है तो तुम्हें वापस नौकरी पर रख ले, और अगर वो नहीं रख रहे तो कोई और नौकरी तलाश करो। तुम इसकी तरफ क्या देखे जा रही हो? क्या मेरा कहना तुमसे काफी नहीं है? अम्मी, आप भाभी को इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकती हैं। और वैसे भी इस घर का खर्चा चलाना उनकी नहीं बल्कि भाई की जिम्मेदारी है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है फरा। क्या मतलब कोई जरूरत नहीं है अम्मी, आप उनका चेहरा तो देखें। और भाई, कम से कम आप तो भाभी के लिए स्टैंड लें। अम्मी ने ऐसा कुछ गलत नहीं कह दिया जिसकी वजह से मैं आयजा की हमायत में अम्मी के खिलाफ हो जाऊं। जॉब तो उसे करनी पड़ेगी। देखो जान, एक बात इसे अच्छी तरह समझा देना कि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, घर के खर्चों में तो इसे हाथ बटाना ही पड़ेगा। आप बेफिक्र हो जाएं अम्मी, ये बात तो इसकी मैं हरगिज़ नहीं मानने वाला। बुरा मत मानिएगा,
अम्मी गुस्से में कभी कुछ ज्यादा ही हार्श हो जाती हैं। उनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। नहीं, तुम्हें तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कौन सा कुछ गलत कहा, सोचना चाहिए था, कम से कम शायद आंसर डिस्कस कर लेना चाहिए था। गलती मेरी मेरी है भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आप प्लीज खुद को ऐसे ब्लेम मत कीजिए। अगर शायान भाई ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया तो क्या, मैं सारा आप इसे बात करूंगी। नहीं, सारा आप इसे क्यों बात करोगी, हमारा घर है, हमें मिल बांट के यहाँ की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए ना। सारा आप को क्यों वो बर्डनाइज कर, मैं ऑफिस बात करती हूँ, देखती हूँ अगर कोई अरेंजमेंट हो सकता है तो। आज मेरी बर्थडे तो नहीं है। हाँ, लेकिन मोहब्बत का इजहार करने के लिए किसी खास दिन का होना जरूरी तो नहीं। अगर जिंदगी की हर सुबह की शुरुआत ऐसी हो तो जिंदगी बहुत हसीन लगती है। लेकिन मेरी जिंदगी तो उसी दिन हसीन हो गई थी जिस दिन तुम्हारा साथ मिला था। दिल चाहता है कि जिंदगी का हर लम्हा हर पल इतना ही हसीन हो। मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ और सारी खुशियां हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा सारा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे याद दिलाओगी बाजी की बरसी का। वो तो शुक्र है कि मैंने कैलेंडर देख लिया, वरना बगैर फातिहा पढ़े ही बरसी गुजर जाती। अम्मी, पता नहीं हैरत है मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, कुछ दिन पहले तक तो याद थी मुझे खाला की बरसी। अच्छा चलो, इसमें परेशानी की क्या बात है, शादी के बाद इंसान के हजार मामले होते हैं, भूल गई होगी तो। अच्छा सुनो, असर से मगरिब के दरमियान फातिहा पढ़ाई जाएगी, हो सके तो तुम भी शरीक हो जाना। मैं अली से पूछ के बताती हूँ। मुताफिस। लापस। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो गई हो? खाला बहुत प्यार करती थी मुझसे, मैं भी उनसे बहुत क्लोज थी, फिर मैं खाला की बरसी कैसे भूल गई, समझ नहीं आ रही। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है उनसे। कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के मसलों में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि बहुत सी अहम बातें उसके जहन से निकल जाती हैं। इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तुम खाला की बरसी पर जरूर जाना, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगा। लेकिन मेरा तो अपॉइंटमेंट है। मुझे तुम्हारे सारे अपॉइंटमेंट्स याद है, इसलिए मुझे याद दिलाने की कोशिश मत करो। और तुम इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम वहाँ चलेंगे फातिहा पे और वापसी पे जल्दी निकल आएंगे वहाँ से। आंटी शायद इजाजत ना दें। कुछ नहीं होगा ऐसा सार, मैंने कहा है ना, फिक्र मत करो। पर मैं हूँ, मैं सब हैंडल कर लूँगा, तुम परेशान मत।
जो लोग पहले मरने की वजह बने फिर वही कब्र पर आकर फातिहा पढ़े, बनता नहीं है खाला। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो शिकायतें हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती। शिकायतें होती तो शायद खत्म हो जाती। आपने तो मां छीन ली मुझसे मेरी, जितनी बार का दुख थी वो कैसे दूर होगा। मेरा यकीन करो बेटा, जिस दिन से बाजी गई है उस दिन से उनके जाने का दुख और मेरे किए गए गुनाह किसी जोंक की तरह मेरी रूह को चिमटे हुए। और चाहकर भी मैं अपनी गलतियों को भुला नहीं सकती। तुम्हारे दिल को बर्बाद करने का गुना, बाजी के दिल को दुख पहुंचाने का गुना, मैं जानती हूं कि जो हो गया उसकी तलाफी मुमकिन नहीं, मगर फिर भी बाजी की बरसी के मौके पर मैंने घर में उनके लिए फातिहा खानी रखी। मैंने कई बार तुम्हें फोन किया मगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अगर तुम आओगे तो बाजी की रूह को सुकून मिलेगा। इंसान की सोच भी कितनी अजीब होती है, जिंदा लोगों को बेचैन करने का मौका हाथ से गवाते नहीं। और जो लोग हमारे साथ नहीं होते उनकी रूह को सुकून पहुंचाने के मौके तलाशते। आपको फाद साहब के कहने पर फेवर दे रहा हूं। सर जी मुझे नहीं, फेवर आपने खुद को दी है। मेरा जो फायदा होना था वो तो हो गया, आपने भी कोई घाटे का सौदा नहीं किया। प्लीज वैसे लग नहीं रहा कि ये काम आपने पहली मरतबा किया है। इन सब बातों का क्या मकसद है, आपने अपनी डिमांड्स पूरी करवा ली, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, हिसाब बराबर। मेरा ख्याल है आपको चले जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। और नहीं नहीं सर, इस तरह होता है इस तरह के कामों में। ये जिस रेफरेंस से आया था ना वो भरोसे वाला है। आप परेशान ना हो। तौबा है, महंगाई है कि आसमान को छू रही है, मगर मजाल है इस घर में किसी को कोई परवाह। अम्मी ऐसा तो नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है, मैंने ऑफिस कॉल की थी लेकिन उन्होंने मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया। जाहिर है, आखिर कब तक कोई किसी के आश्रय पर बैठा रह सकता है। अम्मी आप परेशान ना हो, आप दुआ करें कि मैंने जहां अभी अप्लाई किया है वहां से अच्छा रिस्पांस आ जाए। अब पता नहीं कि कब जॉब मिलती है और कोई ढंग की जॉब मिलती भी है या नहीं, ये भी नहीं पता। फराह जी अम्मी, मुर्गी धोकर यखनी बनने के लिए रख दो। देखो आयजा, तुम पढ़ी लिखी हो, अगर कोई अच्छी तनख्वाह वाली जॉब मिलती है तभी कोई आसरा हो सकता है, वरना तुम्हारा इस घर में होना ना होना मेरे लिए बराबर है। नगीन तुमने जरीन से कह दिया है कि हम वक्त पर पहुंच जाएंगे? जी मैंने मामा से कह दिया। नगीन मैं जानती हूँ
इस वक्त तुम्हारे दिल में बहुत सारे खदशात हैं, और जो शहीर की खुशियों के लिए तुम कुर्बानी दे रही हो ना, इसकी मैं दिल से कदर करती हूँ। और मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि इस घर में तुम शहीर की पहली बीवी बन के रहोगी, और तुम्हारी इस हैसियत में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। अम्मी, मैं जानती हूँ आप मुझे वही इज्जत और मकाम देंगी जो मेरा हक है, लेकिन शायद शहीर ऐसा ना कर सके। उनके लिए तो पहले ही मेरा वजूद ना होने के बराबर। ऐसा नहीं होगा, मैं हूं ना, किसी सूरत तुम्हारी हक तलफी नहीं होने दूंगी। अरे सारा आओ, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। सुख की घड़ी तो इंसान अकेले गुजार लेता है, लेकिन दुख की घड़ी में किसी का साथ होना जरूरी होता है, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे महके जाने की इजाजत दे दी। अली ने हमें बताया है तुम बहुत अपसेट हो। अपनों के जाने से जो जिंदगी में खला आ जाता है ना, वो कभी पूरा नहीं होता, तो तुम हिम्मत से काम लो, अपने आप को अकेला ना समझो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और खुद को दुखी मत करो, ये मुनासिब नहीं है तुम्हारे लिए बेटा। ये चाबियां हैं, मेरी सास ने ये मुझे अमानतन सौंपी थी, जो मैं नगीन और तुम तक पहुंचा रही हूं। खुदा जाने मैं अपने पोतों की बहुओं की शक्ल देख भी सकूंगी कि नहीं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे आंटी। जी अम्मी, आप सिर्फ पोतों की ही नहीं बल्कि अपने पर पोतों की भी खुशियां देखें। नहीं नहीं भाई, मुझे इतना नहीं जीना, बस अब तो यही ख्वाहिश है कि जितनी जिंदगी बाकी रह गई है मेरी इज्जत और भरम के साथ गुजर जाए। ये लो, ख्वाहिश तो ये थी कि ये जिम्मेदारी मैं नगीन को सौंपूं, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था, तब मजबूरन शहीर अपनी दूसरी बीवी को लेकर इस घर में आ रहा है, वरना मैं कभी ये समझौता ना करती, इसीलिए मुझे बेहतर लगा कि मैं ये अमानत तुम्हें सौंप दूं। आंटी, ये आप नगीन भाभी को दे दें। नहीं नहीं, ये मेरी सास ने मुझे दी थी जब शहीर इस दुनिया में आने वाला था, तो ये मैं तुम्हें ही दूंगी, अब संभालो इसे, ये लो। हाँ सारा, अम्मी तुम्हें इतने प्यार से ये अमानत दे रही है तो रख लो, और फिर वैसे भी ये अमानत तुम्हें सौंपी जाए या मुझे, एक ही बात है ना। ये लो चाबी। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा अली साथ नहीं आया? नहीं अम्मी, वो डायरेक्ट आएंगे ऑफिस से। सारा, वक्त बहुत थोड़ा है, मैं चाहती थी कि फातिया जल्दी शुरू करवा देते। अली आए होंगे, मैं देख। रुको रुको बेटा, फरज जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। इसको बनाने की क्या जरूरत थी? पारे अवन भूलो कि वर्सी बाजी की है। अम्मी, ये जो आप नए रिश्ते बना रही है ना, ये कहीं पुराने रिश्तों को बर्बाद ना करते। देख क्या ऑलफॉल बक रही हो तो, ऑलफॉल नहीं बक रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। आपको रेहान को नहीं बढ़ाना चाहिए था, ये वक्त है ना बातों का। बेटा फरा, जाकर आयजा से पूछो सब इंतजाम हो गए। सारा, अली से फोन करके पूछ लो, अगर उसे आने में थोड़ा वक्त है तो हम फातिहा शुरू करवा लें, पहले ही बहुत देर हो गई। अली फोन नहीं उठा रहे।
साला मेरे ख्याल से हमें फातह शुरू करा लेनी चाहिए। जिनके लिए सब अहम होता है वो वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। बस बेटा, कारी साहब आ जाए तो मैं शुरू कराती हूँ। मारिया जरा साथ आओ, हम कारी साहब से ही पूछ लें और बाकी चीजें भी देख लें। आ जाओ। एक मैसेज नहीं किया तुमने मुझे, तो के लम्हात दिल पर कितने भारी गुजरते हैं तो अच्छी तरह समझती है। तो कजन बनकर ना सही, दोस्त बनकर तो कर सकती थी। शायद आज खुद को इतना तन्हा ना समझता। अपनी तन्हाई के जिम्मेदार तुम खुद हो रेहान। तुम भी मुझे अली की तरह कहो। अली ने कुछ गलत नहीं कहा, तुम्हारा जज्बातीपन उन्हें परेशान कर रहा है। तुम मानो या ना मानो रेहान, जाने अनजाने में तुम मेरी जिंदगी में मदाखलत कर रहे हो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? चले जाओ वापस, सब छोड़ छाड़ के जहां पहले गए थे। तुम ऐसा चाहती हो? ठीक है, तो फिर चला जाऊंगा। तुम मेरी मां के बरसी, मेरा होना तो बनता है ना। तुम जानती थी यहां पर होगा? नहीं अली, मुझे नहीं पता था अम्मी ने इसको बुलाया। इसे सच में नहीं पता था, अगर इसे पता होता तो ये कभी ना आती। मैं तुमसे नहीं, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। बात नहीं, तुम बिलावजह सारा पर गुस्सा कर रहे हो। चलो सारा, चलो वापस चलते हैं। इसीलिए कह रही थी मैं आपसे कि आपको रेहान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने अपने घर में फातिया रखी, हम शिरकत कर लेते, उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? देखा आपने, अली भाई को दोनों के एंगेजमेंट का पता चल गया। ये सब कहाँ चले गए? अपनी आवाज नीची रखो। कस्टम में घिनौनी और खतरनाक करप्शन हुई बेनकाब। देखिए इसे, बिलाल नामी ये शख्स कैसे अपनी खुदगर्जी और लालच के हाथों कितनी जानों को दांव पर लगा रहा है। ठीक है, थैंक यू। लिसन, चले। तेरा वादा अगर वफा हेलो, किधर रह गए हो शहीद? आज अपॉइंटमेंट था, भूल गए? I'm so sorry, मैं वाकई भूल गया था। मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ बस। क्या परेशानी है शहीद, बता क्यों नहीं देते? अब मैं आकर बात करता हूँ ना। तुम घर हो अभी? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं खुद ही मैनेज कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम वेट करो। तुम में इतने एटिकेट्स नहीं है कि जब कोई फोन पर बात कर रहा हो तो उसे प्राइवेसी देनी चाहिए। शहीर आप कोई नहीं, मेरे शौहर हैं, और शौहरों को प्राइवेसी देना बीवियों के लिए
मुश्किलात का सबब बन जाता है। खुद को भी जबरदस्ती किसी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। और हाँ, मैं एक बार मां के कहने पर समझौते भरी जिंदगी गुजारने की गलती कर चुका हूं, दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। कस्टम में घिनौनी और खतरनाक करप्शन हुई बेनकाब। देखिए इसे, बिलाल नामी ये शख्स कैसे अपनी खुदगर्जी और लालच के हाथों कितनी जानों को दांव पर लगा रहा है। इस शख्स ने जाली दवाओं की खेप का अप्रूवल दिया, ये नहीं सोचा कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से कितनी माओं के लाल मर सकते हैं, कितने घरों में सफे मातम बिछ सकता है। गौर से देखिए इस शख्स को जिसने अपना जमीर बेच दिया। अली, आप इस वक्त गुस्से में हैं, घर चले, मैं फिर कभी आ जाऊंगी चेकअप के लिए। मैं गुस्से में जरूर हूं सारा, लेकिन गुस्से में लापरवाही नहीं कर सकता। तुम्हारी सेहत मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अली, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम था। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ सारा, तो प्लीज अंदर जाओ। सारा अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आप सारा, आई सेड गो। आप साथ नहीं आएंगे? सर, पेशेंट नेम? सीमा। हस्बैंड नेम? शहीर, शहीर अहमद। सर, नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। चले। शाहिद भाई, सहन, आप दोनों यहाँ? सारा, हमने शादी कर ली है। शादी कर ली? किसी को बताया भी नहीं? बताना चाहता था मैं, लेकिन बता नहीं पाया। की वजह डर नहीं है, बल्कि ख्याल है मां का मान टूटने का, इसीलिए नहीं बता सका। हम किसी से छुपाना नहीं चाहते थे और ना ही किसी को धोखा देने का इरादा। शहीद बस सही मौके की तलाश कर रहे, फिर बता देंगे हमारे रिश्ते के बारे में। सारा, इतना तो तुम भी समझती हो कि अगर सही बात गलत तरीके से या गलत मौके पर कह दी जाए तो वो बेमायने रह जाती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे इस मामले को हैंडल करने दो, वरना शायद काफी कुछ तबाह हो जाए।
लेकिन अली ने रेहान को अपने घर क्यों बुलाया? अरे अम्मी, एक शौहर अपनी बीवी के एक्स फियांसे को क्यों घर बुलाएगा? जाहिर है रेहान को समझाने के लिए बुलाया होगा कि सारा से दूर रहे, लेकिन आप हैं कि मामलात को मजीद बिगाड़ने पे तुली हैं। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सारा ने मना किया था मुझे बताने से, आप वो आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आपने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा बताने के अलावा। वरना वैसे तो फरा और रेहान की शादी का ख्याल आपके दिल से नहीं निकलता। क्या क्या कह रही हैं आप? अम्मी आप होश में हैं? मेरी और रेहान भाई की शादी, आप जानती हैं ना रेहान भाई को मैं दिल से भाई मानती हूँ, आपने सोच भी कैसे लिया हमारी शादी के बारे में? तुम्हारे भले के लिए सोचा था, ये सोचा था कि खुश रहोगी तुम रेहान के साथ। खुश? आपको लगता है मैं रेहान भाई के साथ खुश रहूं? आप जानती हैं ना कि मेरी दिली ख्वाहिश थी सारा अभी और रेहान भाई की शादी हो जाती, वो तो किस्मत को मंजूर नहीं था, लेकिन जो आप कह रही है ना वो मुझे मंजूर नहीं है। आप इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। सही कह रही है अम्मी, बेहतर है कि इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें। फरा जरा जाके मेरा फोन लेके आओ। मारिया फोन उठाओ यार। जी सर, सर नहीं सर, सर 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 मैंने कुछ, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, वो सब प्लांटेड था सर। नहीं सर, सर आप मेरा यकीन करें सर, मैं हेलो सर, अरे बिलाल की 20 मिस्ड कॉल्स, खैरियत है अल्लाह खैर करे। हेलो मारिया, तुम कहाँ थी यार, मैं तुम्हें कब से कॉल मिला रहा हूँ। क्या हुआ बिलाल, खैरियत है? मेरा फोन साइलेंट पे था, मैंने देखा नहीं, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मारिया, कुछ ठीक नहीं है, मुझ पर करप्शन का इल्जाम लग गया है। क्या कैसे? जिसे मैं डीलर समझ रहा था वो जर्नलिस्ट दिखला और उसने मेरी चेक लिए वीडियो बना लिया और न्यूज चैनल पर चला दी। मारिया मैं मुझे बदनाम हो गया हूँ मारिया, बुरी तरह से मुझे नहीं समझ आ रहा होगा क्या मेरा जॉब, मेरा करियर, सब कुछ बदनाम। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ मैं फौरन आ रही हूँ, ठीक है, ओके ओके। अब आता है मारिया, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई हैं? हम भी बिलाल, मैं जा रही हूँ। मारिया मारिया, फरा शाम को फूक ले। शहीद मुझे सारा पर ट्रस्ट नहीं है। भरोसा तो यार मुझे भी नहीं है, पर क्या था? इससे पहले कि सारा अपने अंदाज में बढ़ा चढ़ा कर आंटी से बात करे, तुम बात करो, उन्हें मनाओ। इतना आसान नहीं है सर, माँ को आजकल कुछ ज्यादा ही हमदर्दी होने लगी है नगीन से, वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, लेकिन जब भी कोई बात करना चाहता हूँ तो कोई ना कोई और बात हो जाती है और मैं बताई नहीं हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है शहीद। अच्छा देखो तुम परेशान नहीं, मैं देखता हूँ अब कुछ ना कुछ कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना से बात छुपी रहेगी उतनी मुश्किलात हमारे लिए खड़ी होती रहेंगी। क्या हो गया अली, बगैर मेरी गलती क्या आप मुझसे नाराज हो रहे हैं? तो क्या करूं तुम्हें बताओ, और क्या करूं, मुझसे रेहान का वजूद बर्दाश्त नहीं होता है सारा।
तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे नहीं पता था कि वो वहां होगा? मुझे यकीन आ गया, मान लिया कि तुम्हें नहीं पता था, लेकिन आंटी ती तो जानती थी ना कि रेहान वहां आ रहा है। फिर क्यों बुलाया उन्होंने रेहान को वहां पे? क्यों कर रही है वो हमारे साथ ऐसा? उन्हें क्या लगता है उनका जब दिल चाहेगा वो रेहान को यहां से भेज देंगे, और जब उनका दिल चाहेगा उसको वापस बुला लेंगे कि परा से शादी कर लो। आपने मेरी और अम्मी की बातें सुनी है? हाँ सुनी है मैंने, और बिल्कुल ठीक किया है कि तुम लोगों की बातें सुनी, क्योंकि इसी तरह मुझे सच पता चलना। आंटी को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए सारा, तुम क्यों नहीं समझ रही? उन्हें क्या लगता है वो रेहान के साथ ये रिश्ता जोड़ लेंगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम क्या सोचोगी, मुझ पर क्या बीतेगी? एक इंसान जो बिना किसी कसूर के पहले ही तकलीफ में था, अजियत भरी जिंदगी गुजार रहा था, उसके साथ रिश्ता जोड़कर वो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को अजियत देना चाहती है। क्यों कर रही है वो ऐसा हमारे साथ? और तुम क्यों नहीं रोक रही हो उन्हें? क्यों खामोश तमाशाई बनकर सब कुछ देख रही हो सारा? क्या तुम नहीं जानती हो कि रेहान का हम लोगों से दूर चले जाना ही हमारे लिए बेहतर है? मैंने समझाया अम्मी को, बहुत बार समझाया, और जहां तक रही रेहान और फरा की शादी की बात, तो वो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी अली। ऐसा होना भी नहीं चाहिए सारा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो क्या करेंगे आप अली? बात पूरी करें अपनी। मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा, लेकिन इतना जरूर जानता जो भी होगा ना अच्छा नहीं होगा। बिलाल बिलाल परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। बिलाल तुम सुन रहे हो, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बिलाल कोई परेशानी है? ये सब क्या हो रहा है बिलाल? कैसे कर सकते हैं तुम ऐसा? जानी दवाई अगर मार्केट में सप्लाई हो जाती तो जानते हो क्या होता? कुछ नहीं होगा, हमेशा से यही सब कुछ होता आया है, कभी कोई नहीं पकड़ा गया। ये तो बिलाल की किस्मत बुरी थी जो फंस गया। फंसा नहीं है, बिलाल तुम्हारी वजह से बुरी तरह बदनाम हो गया है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है सैम, और आप इस वक्त ये ब्लेम गेम करना बंद करें। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। परेशान तो होना ही था, जिस लालच के पीछे तुम उसे दौड़ा रही हो ना, उसका यही अंजाम होता है। होश हो गई हो ना तो मेरे भाई को तबाही के दहाने पर पहुंचाकर। अगर आप मदद नहीं कर सकती ना तो चुप कर जाएं। आपका लेक्चर नहीं सुनना इस वक्त। सर तुम अपनी आवाज नीची रखो, सुना तुमने? ये थप्पड़ तुम्हें मारिया को मारना चाहिए था जब पहली बार तुम उसके कहे पर इस रास्ते पर चले गए। देख लिया ना अंजाम, कहा था ना कि इस रास्ते में सिवाय नस्वाई की और बदनामी का कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। सारे चैनल तुम्हारी करप्शन दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने तुम खुद गर्द और लालची इंसान बन के रह गए सिर्फ इसकी वजह से। हाँ मैंने ही उकसाया था उसे, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारी खुशियों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर तो बर्बाद कर दिया तुमने, अब खुशियां भी खाक में मिल गई है। सोचा है बिलाल के साथ क्या होगा, कैसे फेस करेगा ये सोसाइटी में? हम फेस कर लेंगे सोसाइटी को, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो उसी दिन से परेशान हूं जब इसने तुम्हारा कहा माना था। मुझे अंदाजा था कि यही अंजाम होगा, क्योंकि शर के बदले खैर कभी ना मिली है ना मिलेगी। हो सकता है बिलाल, तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं हुई। कहाँ है बिलाल? किधर है बिलाल? तेहो कहाँ है बिलाल? कहाँ घुसर कर गया तुमने घर के अंदर? हाँ किधर हो तुम जा रहे? बिलाल बहुत माल कमा लिया ना तूने, अब चल के हवालात की हवा भी खा। मैं नहीं, आप इसे नहीं लेके जा सकते।
की गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। मेरी बात सुने, ये सब जो आपने देखा ये बिल्कुल झूठ है, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है, सिर्फ इनको फंसाने की साजिश की जा रही है। तो सब बाद में पता चलेगा कि इसे फंसाया जा रहा है या ये जानबूझकर खुद फंसा है। हमें जो ऑर्डर मिले हैं उसे हम फॉलो कर रहे हैं। गिरफ्तार करो उसे। तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ होगा, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से जान the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.